नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश में लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। एक तरफ बीजेपी है जिसने हुंकार भरी है कि तीसरी बार फिर मोदी को लाना है और 400 पार सीटों के साथ लाना है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जो 10 साल के लंबे वनवास के बाद एक बार फिर से सत्ता में लौटना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं की जो जुबान है वो लगातार फिसलती जा रही है और तमाम तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है। इसी बात को लेकर जो देश भर में लोकसभा चुनाव का जो पहला चरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी कई सीटों पर चुनाव होना है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता, मुस्लिम चेहरा जिन्हें कहा जाता है, इमरान मसूद साहब आज हमारे साथ है, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। इमरान मसूद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर, और पूरे एनएमएफ की तरफ से पहले सबसे पहले आपको ईद की मुबारकबाद। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत। तो जिस तरीके इस बार आप तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके का माहौल है सहारनपुर में? देखिए, सहारनपुर के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर माहौल बना हुआ है। जब देश के अंदर संविधान को बदलने की चर्चा हो तो ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव देश के नौजवान जब 83% डिग्री लेकर के अपने घर पर बैठने को मजबूर हो, उन बेरोजगार नौजवानों का चुनाव है, ये चुनाव किसानों को जब फसल के दाम ना मिले, उनकी आय दुगना करने का वादा 2022 में पूरा ना हो, तो ये चुनाव किसानों का चुनाव है, ये चुनाव नारी को अपने घर के अंदर रसोई चलाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़े, सिलेंडर 400 से 1000 पार कर जाए, ये चुनाव उनका चुनाव है, ये चुनाव जीएसटी और आईटी के नोटिसों से परेशान उन व्यापारियों का चुनाव है जिनका कारोबार तबाह और बर्बाद हो गया, ये चुनाव देश के अंदर परिवर्तन का चुनाव है। मसूद साहब, संविधान बदलने वाली बात कहां से आती है? देखिए, प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार ने पहले बयान दिया था, उसके बाद भाजपा के एक एमपी अनंत हेगड़े साहब ने बयान दिया था, तो उन्होंने कहा था कि 400 सीट तो हम संविधान को बदल देंगे। तो ये बातें अगर चर्चा भाजपा की ओर से हो रही है तो इस चर्चा के अंदर कोई ना कोई बात है, तभी ये चर्चा होगी, वरना तो ये चर्चा होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कभी किसी ने आज तक संविधान के ऊपर इस प्रकार की चर्चा करी नहीं थी, जैसी चर्चाएं पहली बार शुरू की इन लोगों ने। ठीक, तो जो अगर मैं 10 साल पहले इमरान मसूद की बात करूं और आज यानी 2014 और 2024 के इमरान मसूद की बात करूं, तो आपकी तस्वीर एक बदली हुई नजर आती है। क्या इस बार का चुनाव भी बोटी बोटी पर होगा या कुछ और मुद्दा रहेगा? नहीं, अरे साहब, रोटी रोटी की बात करिए, रोजी रोटी की बात करिए, ये चुनाव रोटी का चुनाव है, ये चुनाव देश के अंदर अगर 80 करोड़ लोगों को राशन सरकार से लेने पर निर्भर होना पड़े, ये चुनाव उसका चुनाव है क्या? ये चुनाव राशन 80 करोड़ लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राशन दिया है, तो ये अगर हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे देश के अंदर 80 करोड़ लोग आज भी इतने गरीब हैं कि उनको राशन की जरूरत सरकार से पड़ रही है। अच्छा मसूद साहब, वो बयान आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है आज तक भी 10 साल बाद भी? चलिए, तो ये देखिए, बिल्कुल वो मेरा बयान था नहीं, ना मैंने वो बयान दिया था, वो एक चर्चा के अंदर यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बोला गया, उसके लिए मैं 1000 बार माफी मांग चुका। ये बात मैं करता हूँ, रोटी रोटी ये करने लगते हैं। दूसरी बात, अरे भाई, रोजी रोटी की बात करो, रोजी रोटी की बात करो, इसके अलावा दूसरी बात क्यों? अच्छा, इमरान मसूद इस चुनाव में राम राम की बहुत बात कर रहे हैं, एक वीडियो दिखाना चाहूंगा आपको आपका। मसूद साहब, राम के ऊपर क्या, राम के ऊपर पेटेंट थोड़ी ना है इनका, राम तो सबके हैं, ये देश राम का है, जब ये देश राम का है तो राम सबके हैं ना। मसूद साहब, एक वीडियो दिखा दूं आपको आपका एक बार, फिर आज तो मैं भाई राणाओं की राजधानी में खड़ा हूं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो ये जो वचन राणाओं ने दिया भाई, इस वचन के आगे सारे ढेर हो गए। देश में तुमने हवा निकाल दी भाजपा की, आज में कोई शक नहीं है। मतलब मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं, मेरा चुनाव है, मेरे चुनाव में तो मसूद साहब क्या कहेंगे, आप ही का वीडियो है अभी इसी चुनाव का। तो मैं अभी फिर कह रहा हूँ ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, एक वचन के ऊपर वनवास कबूल कर लिया था, ये थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ये थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिन्होंने वन में जाकर के, जब वन देवी ने उनका स्वागत किया वनवास के अंदर, तो उन्होंने कहा कि वन
वन देवी ने कहे भगवान मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा तुम मेरे लिए जो इस रास्ते से मैं चलकर आया हूँ उस रास्ते की सारी बाधाओं को दूर कर दो, रोड़ा कंकर पत्थर सब हटा दो, क्योंकि मुझे ढूंढता हुआ मेरा भाई मेरे पीछे आएगा, उसको कष्ट ना हो, उसको परेशानी ना हो। ये थी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अंदर करुणा। वो करुणा अगर देश के अंदर हिंदू राम है तो ये मुसलमान भरत है, और ये करुणा अगर मन में नहीं है तो फिर राम के राज की बात मत करें। राम का राज जो है उसके अंदर समानता है। राम नारा नहीं विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे शबरी के झूठे फेरों में, राम मिलेंगे सीता की पावनता में, राम मिलेंगे अंगद वाले पांव में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। तो राम को अगर ढूंढना है तो मत अपना आचरण मर्यादित करो, राम के आदर्शों पर चलो, तो राम तो यहाँ मिलेंगे मन के अंदर, राम को कहाँ ढूंढना है। तो मतलब जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी राम के मुद्दे को भुनाना चाहती है, उसी तरीके से आप भी जो है राम के ही नाम को लेकर इस चुनाव में आगे चल रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए, मैं तो उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं तो राम को राजनीति में चर्चा का विषय मानता ही नहीं। राम तो आस्था का विषय है, ये राजनीतिक चर्चा का विषय है ही नहीं। राम देश के करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं, और जो आस्था के प्रतीक मेरे भाइयों की आस्था के प्रतीक हैं, उनका सम्मान उतना ही मेरे मन में जितना उनके मन में। तो राम सबके हैं जी, राम सबके हैं। अरे तो राम सबके नहीं क्या, आप बताओ क्या नहीं है साहब राम सबके? ये देश राम का है, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने राम को इमाम हिंद लिखा, ये देश राम का है। तो राम सबके नहीं होंगे तो किसके होंगे? राम केवल एक विचारधारा के लोगों के थोड़ी ना है। चलिए अब मैं आपसे एक प्योर पॉलिटिकल सवाल पूछता हूं। जिस तरीके से राजपूत समाज बीजेपी के विरोध में खड़ा है और आप लगातार राजपूत समाज में जाकर बैठ रहे हैं, उनका मन टटोल रहे हैं, और उन्होंने वादा भी किया है, ये कसम भी खाई है कि जो बीजेपी को हराएगा उसे वोट भी देंगे, तो आपके पास राजपूतों का कितना समर्थन है सहारनपुर में? 90% से ज्यादा। कैसी जीत मानते हैं इस बार? एक तरफा जीत है, दलित मेरे साथ है, राजपूत मेरे साथ है, गुजर मेरे साथ है, सैनियों का समर्थन मेरे साथ है, कश्यप मेरे साथ चल रहे, कामोज मेरे साथ चल रहे, दीमान मेरे साथ चल रहे। तो आप मुझे बताइए, जहां जब ये बुला बुला के सम्मेलन और घर घर मेरे कार्यक्रम ले रहे हैं, तो इनका वोट मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मैं किसी के यहाँ वोट मांगने जाऊं तो मुझे वोट देना ना देना उसका अधिकार है, लेकिन कोई 40 किलोमीटर चलकर आकर मुझसे वोट के लिए नहीं, प्रोग्राम के लिए कह रहा है, तो वो वोट का देने का मन बना कर आया, इसीलिए तो प्रोग्राम ले रहा है। बीजेपी का तो कहना है 2 लाख वोटों से जीतेंगे इस बार। बीजेपी को गिनती नहीं आती है असल में। ठीक है, अभी एक कुंवर ब्रजेश सिंह का आपने वीडियो देखा होगा हाल फिलहाल का, उस पर भी मैं बात जरूर करना चाहूंगा। वो वीडियो आपने देखा होगा, मैं नहीं चाहता कि उन शब्दों को मैं दोहराऊं। क्या कहेंगे आप ब्रजेश सिंह के उस बयान पर? राम उन्हें सद्बुद्धि दे। नहीं, वो खुले तौर पर चैलेंज कर रहे हैं आपको। कह तो रहा है, ये कोई जंग का मैदान थोड़ी ना है, ये लोकतंत्र है। हम तो लोकतंत्र के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले लोग हैं, अहिंसा के पुजारी हैं। भैया मार लो, हम तो बहुत छोटे निरीह प्राणी हैं, मार लो, हम तो मरने को पिटने को तैयार हैं। ठीक है, मैं एक बार चाहूंगा कि दर्शकों को वीडियो दिखाऊं जरा, थोड़ा सा दिखाइएगा एक बार। और भैया मैं एक वीडियो देख रहा हूं, कई दिन से खूब चल रही है, तो वो तो वीडियो में बोल रहा है, बेटा इस मंच से चुनौती दे रहा हूं, तू सिर्फ वीडियो में बात कर रहा है और सिर्फ अपने समाज में बात कर रहा है। मैं क्षत्रिय कुल में जन्मा हूं, रघुकुल का वंशज हूं, महाराणा प्रताप की सौगंध खाता हूं, समय रख लेना, तेरे समाज में आके भी झांक उतरेगा उस भाषा में। देखिए मसूद साहब, मैंने शुरू में एक बात कही थी कि जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं की जो जुबान है वो फिसलती जा रही है लगातार। हालांकि इमरान मसूद साहब बड़े संयम से इस बार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कहीं बीजेपी के भी नेता हैं, कहीं समाजवादी के भी नेता हैं, कहीं कांग्रेस के भी नेता हैं, जो भाषा की मर्यादा इस चुनाव में मैं देखता हूं बहुत ज्यादा हद तक खराब होती जा रही है। नहीं, गलत बात है। देखिए लोकतंत्र में इन चीजों का, इन बातों का कोई महत्व नहीं है, और ये बौखलाहट में बोले हुए शब्द हैं और कुछ नहीं। और आप जो है कांग्रेस पार्टी में रहे लंबे वक्त तक, उसके बाद 2022 के चुनाव से पहले सपा गए, सपा से फिर वापस बसपा गए, बसपा से आपको निष्कासित किया गया, उसके पीछे का कारण बता पाएंगे? देखिए मैंने बहन जी को कह दिया था कि बहन जी हमें गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो 0 पर आउट होंगे, और गठबंधन में अगर हम चुनाव लड़ करके 30 सीट भी जीत जाते हैं तो
तो उन 30 सीटों के बलबूते पर हम देश के अंदर बहुत बड़ी मजबूत स्थिति में होंगे और हम आपको प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे। बहन जी ने मेरी बात सुनकर के जवाब नहीं दिया, मैं आ गया, अगले दिन मेरे पास निष्कासन का पत्र आ गया। उसके बाद फिर आपने जो है कांग्रेस में वापसी की। ये तो कांग्रेस के अंदर हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बहुत बड़े दिल के लोग हैं, माफ करने वाले लोग हैं, हमारी गलती को उन्होंने माफ कर दिया, ये बहुत बड़े दिल की बात है। अच्छा मसूद साहब, पिछले चुनाव में अगर 2019 की बात करूं तो आपको 17% वोट मिले थे, और उससे पहले अगर मैं बात करूं तो राघव लखनपाल को और उसमें हार जीत में सिर्फ 2% का अंतर रहा था। इस बार किस तरीके से आप अपना वोट परसेंट बढ़ा रहे हैं? देखिए, इस बार मुझे सब वर्गों का सब जगह से भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस बार मुझे पता ही नहीं कि मैं 7 लाख के पार चला जाऊंगा, कि मैं 7.5 लाख मिल जाएंगे, 6.5 लाख मिल जाएंगे, मुझे पता ही नहीं, अंदाजा ही नहीं हो रहा मुझे, क्योंकि जहां जहां मेरा कभी जाना नहीं हुआ, जिन गांव के अंदर कभी वोट नहीं मिला, उन गांव में मेरे कार्यक्रम हो रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं लोग और वोट देने की बात छोड़ दिए, कार्यक्रम ले रहे हैं तो वोट भी देंगे। ठीक है मसूद साहब, एक तीखा सा सवाल है, जनता की आवाज है मेरी, मेरा सवाल नहीं है। अभी जनवरी में मैं सहारनपुर में था, सहारनपुर में उस दौरान मेरी आपसे बात भी हुई थी, लेकिन वक्त नहीं मिल पाया था आपसे बात करने का। तो उस वक्त मैंने सहारनपुर के मुसलमानों से बात की, तो वहां जो मैंने मुसलमानों से बात की उसमें तमाम मौलाना भी थे, मदरसों में भी मैं गया, अध्यापकों से भी बात की मैंने। तो उस वक्त जो है कहना था उन लोगों का, उस वक्त जनवरी की बात कर रहा हूं, आज की बात नहीं कर रहा हूं, 2 महीने बीत चुके हैं उस बात को, तो वहां मुझे आपका प्रभाव बहुत ज्यादा जनता के बीच खासकर मुसलमानों में नहीं मिला। और अभी जब भाजपा का कार्यालय खोला गया बंगलोर में, वो आप ही के लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, वहां भी बीजेपी के झंडे तले बहुत सारे मुसलमान देखे गए, और जब उन मुसलमानों से बात की गई तो उनका कहना था कि इस बार परिवर्तन चाहते हैं वो लोग सहारनपुर की सीट पर। 4 जून को बात करेंगे, देखिए बसपा कहीं नहीं है, बसपा को सब लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से भाजपा के दबाव में और भाजपा के आगे नतमस्तक हो गई है। बहुजन समाज पार्टी ने अभी चुनाव से 15 दिन पहले ही राज्यसभा के इलेक्शन के अंदर बसपा ने भाजपा को वोट दिया। बहन जी ने जब जब भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट के अंदर किसी बिल पर फंसी हो, चाहे 3 तलाक हो या कोई सा भी बिल हो, उन बिल पर फंसी हो, तो इन्होंने वोट बसपा ने भाजपा को देने का काम किया। तो जब ये भाजपा के साथ खुलकर ही खड़े हुए हैं तो भाजपा में और इनमें कोई फर्क थोड़ी ना है। अच्छा 2019 के चुनाव में लोकसभा के अगर पूरी कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो सिर्फ 2.5% वोट कांग्रेस पार्टी को मिला था। कारण क्या है कांग्रेस के इस पतन का, और बताइएगा कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस कहां खड़ी है उत्तर प्रदेश में? देखिए 4 जून को बात करेंगे, 4 जून को बात करेंगे, जो परिस्थिति आपके सामने होगी सब सामने आएगी। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और उत्तर प्रदेश से अप्रत्याशित नतीजे आपको मिलने का काम होगा, जिनकी कल्पना भी नहीं की होगी किसी ने। ठीक है, एक आखिरी संदेश जनता के लिए। जनता के लिए केवल यही संदेश है कि संविधान बचाए, सबसे पहला काम है संविधान को बचाना है, और संविधान को बचाना है तो इंडिया गठबंधन के साथ चलना है। इंडिया गठबंधन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये लोग संविधान को बदलने की जब बात चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अगर इनको ताकत मिलेगी तो ये संविधान बदलेंगे, और संविधान बाबा साहब का दिया हुआ वो ग्रंथ है जिस ग्रंथ ने देश की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया, शोषितों को वंचितों को उनके अधिकार देने का काम किया, आरक्षण देने का काम किया, देश के अंदर सभी लोगों को समान रूप से वोट का अधिकार देने का काम किया। अगर हमारा वोट का अधिकार ही छीनने का काम होगा या संविधान बदलने का काम होगा तो ये सबके लिए बहुत खराब होगा, इसलिए सब मिलकर के संविधान बचाने की बात करें। एक ब्रिजेश सिंह के बयान पर एक लाइन और कह दीजिए लास्ट में जाते जाते। ब्रिजेश सिंह के लिए कुंवर ब्रिजेश सिंह, छोड़िए आप, क्या बात कर रहे हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सहारनपुर से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार इमरान मसूद साहब। आपने हमें वक्त दिया, आपका इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको ये चर्चा 1-to-1 कैसी लगी और किस तरीके से प्रभाव इस वक्त लोकसभा चुनाव सहारनपुर में है? ठाकुरों का भी जो है ज्यादातर समर्थन इमरान मसूद को मिल रहा है, और इमरान मसूद इस बार सहारनपुर में बीजेपी को पटकनी देने की हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद।